इट वॉज एन ऑर्डिनरी डे लाइक एनी अदर। पूरे दिन अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते हुए टाइम स्पेंड करने के बाद 18 साल की कैथलीन एलन अपने बॉयफ्रेंड माइकल कैरोल के साथ अपने मोटेल रूम में लौट आते हैं। रूम में लौटने के बाद सारा काम ख़त्म करके वाइल दे वर अबाउट टू स्लीप रात के करीब 10 बजे के आसपास माइकल अपने गर्लफ्रेंड कैथलीन से कहता है कि उसे किसी काम से अर्जेंटली बाहर जाना पड़ेगा और वो सुबह तक लौट आएगा। ये कहकर माइकल वहाँ से निकल जाता है और कैथलीन अकेले ही रूम में सो जाती है। सुबह हो जाती है और अब तक माइकल का कोई भी अता पता नहीं है, पर इस बारे में कैथलीन कुछ भी ओवरथिंक नहीं करती और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने डे टू डे वर्क में बिजी हो जाती है। बट सिचुएशन तब सीरियस हो जाती है जब अगले 3 दिन तक माइकल की कोई भी खबर नहीं मिलती। कैथलीन को चिंता हो रही होती है। हाउएवर 3 दिन बाद कैथलीन जब काम पे होती है तब उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। इस कॉल पर एक आदमी कैथलीन से कहता है कि उसे पता है कि माइकल कहाँ पर है। इनफैक्ट वो कैथलीन से कहता है कि माइकल किसी तरह के एक शूटिंग में इन्वॉल्व था एंड इस वजह से वो घर वापस नहीं आ सकता। कैथलीन को ये फोन कॉल और ये खबर चौंका देती है। तुरंत ही वो अपने बॉस से छुट्टी मांग के काम से बाहर निकल जाती है। वहां से निकलकर कैथलीन सीधा पार्किंग लॉट पे आती है जहाँ पे उस आदमी ने कैथलीन को बुलाया था। पार्किंग लॉट में पहुंचते ही एक बियर्डेड मैन, जो कि शायद वही आदमी है जिसने कैथलीन को कॉल किया था, कैथलीन के सामने आता है। उन दोनों के बीच एक कॉन्वर्सेशन होती है एंड बातें खत्म होते ही कैथलीन तुरंत ही उस आदमी के कार में बैठ जाती है। फिर वो आदमी भी अपने कार को चलाते हुए स्टार्ट करता है एंड वो दोनों मिलकर के कहीं पे निकल जाते हैं। वेल सैडली दिस वॉज द लास्ट टाइम जब कैथलीन एलन को ऐसे पब्लिकली अलाइव देखा गया था। उस दिन उस आदमी के साथ उस कार में बैठने के बाद कैथलीन एलन कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, वो ठीक थी कि भी नहीं, ये सब चीज़ें एक मिस्ट्री बन के रह गई। मैं तुम लोगों को यूजुअली बहुत सारी डरावनी एंड डिस्टर्बिंग स्टोरीज तो सुनाता ही रहता हूँ, बट आज तुम्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाऊंगा। क्या तुम्हें अभी रिसेंटली इंडिया के दो ऐसे बहुत ही ऑर्डिनरी लड़कों के स्टोरी के बारे में पता है जिन्होंने अभी रिसेंटली BMW X7 एंड मर्सिडीज जी क्लास को जीता है? मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि उन लोगों ने वन विन के लकी ड्राइव प्रमोशन में पार्टिसिपेट किया था जिसकी मदद से वो लोग जीत पाए थे। वो लोग वन विन के साइट पे जाके बहुत से गेम्स खेलते थे एंड उसी के मदद से ये चीज हो पाया था। फिर मैंने जब इसके बारे में और थोड़ा डीपली पता लगाने की कोशिश करी तब मेरे को पता चला इसको जीतने के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा सिंपल है एंड सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है ऐसा जीतने की। एंड जो भी विनर बन के कार जीतता है लिटरली उसके डोर स्टेप्स पे कार डिलीवर कर दिया जाता है। इस बार भी वन विन पर दे आर गिविंग अवे 3 कार्स एंड तुम्हारा भी कभी ना कभी एक सपना होगा ही एक लग्जरियस कार को ओन करने का। सो दिस इज द राइट टाइम। वन विन के लकी ड्राइव प्रमोशन में पार्टिसिपेट करके तुम भी मौका पा सकते हो इन कार्स को जीतने का। और ये करने के स्टेप्स बहुत सिंपल है। तुम्हें वन विन के वेबसाइट पे जाकर के रजिस्टर करना है एंड देन अ टॉप अप ऑफ $10 जिससे तुम्हें एक टिकट मिल जाएगा। फिर तुम जैसे जैसे हर दिन जाकर के वहाँ पे गेम्स खेलोगे, जितने भी वहाँ पे एक्साइटिंग गेम्स हैं उसके बदले तुम्हें एक एक टिकट मिलता रहेगा। तुम ऐसे टिकट्स को कलेक्ट करके तुम पे जितने ज़्यादा टिकट्स होंगे कार जीतने का मौका तुम्हारा ज़्यादा बढ़ता जाएगा। बट द थिंग इज कि हर महीने 15th को ही इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं एंड इस बार भी मई 15th को इसके रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। तो उससे पहले बहुत टाइम कम है, तो जल्दी से जल्दी जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दो। सो गुड लक टू विन द लग्जरियस कार। तुम्हारे स्टेप्स बहुत सिंपल है, मैंने पिंड कॉमेंट में लिंक को दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के साइन अप करना, फिर टॉप अप करना एंड देन वी आर इन दिस स्टेज ऑफ विनिंग ए लग्जरियस कार, यू एंड मी टुगेदर। सो जल्दी से करना। उस दिन उस कार में बैठ के उस आदमी के साथ कैथलीन एलन कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आ रहे होंगे। बट इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और सवाल ये है कि आखिर वो आदमी कौन था। Who was that bearded man जिसने कैथलीन को कॉल किया, उसको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया एंड कैथलीन को अपने साथ लेकर चला गया। Who was that man? जो आदमी उस दिन कैथलीन एलन को अपने साथ लेकर चला गया था, he was a man named Leonard Lake. आज की जो पूरी वीडियो है वो लियोनार्ड लेक और उसकी पूरी कहानी के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाली है। और मैं इस इंसान पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज इसकी पूरी केस को जानने के बाद यू विल बी वेरी कन्विंस्ड कि दिस मैन इज एक्चुअली अ मॉन्स्टर इन डिसगाइज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अक्टूबर 29, 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में लियोनार्ड लेक का जन्म हुआ था। उसकी जो अर्ली लाइफ थी, उसके लाइफ के जो अर्ली ईयर्स थे,
वो ठीक ठाक एंड इनफैक्ट बहुत अच्छे बीत रहे थे। बट जब वो आगे चल के 6 साल का हुआ, उस वक्त उसके पेरेंट्स के बीच झगड़े हो गए थे एंड जिस वजह से वो लोग सेपरेट हो गए। तो लेक अपने सिबलिंग्स को लेकर के अपने ग्रैंड मदर के पास शिफ्ट हो गया। दिस एक्चुअली वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इस इवेंट के बाद पता नहीं क्यों लियोनार्ड लेक की लाइफ काफी ज्यादा बदल गई। उसके जितने भी डे टू डे हैबिट्स थे उसमें बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आने लगा एंड उसके हैबिट्स धीरे धीरे मॉर्बिड, डिस्टर्बिंग एंड इनफैक्ट क्रीपी होने लगे थे। लियोनार्ड लेक कई बार अपने ही सिस्टर्स के न्यूड्स को फोटोग्राफ करते हुए पकड़ा गया था। कई बार वो अपने खुद के सिबलिंग्स को सेक्सुअल एक्ट करने में फोर्स करता था। इन सारी वियर्ड एंड अजीब चीजों के साथ साथ वो अपने घर में जितने भी चूहे होते थे उनको भी कलेक्ट करता था एंड उन चूहों को वो टॉर्चर करके उनको पेन देता था। कभी कभार उनको एसिड में एंड केमिकल्स में डिजोल्व करके मारता था। एंड द क्रीपीएस्ट थिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस इज कि लियोनार्ड लेक की ग्रैंड मदर कभी कभार उसको पकड़ लेती थी ये सारी अजीब चीजें करते हुए एंड उसको पकड़ने के बाद भी उसको पनिश करने के या फिर उसको रोकने के बजाय उसकी ग्रैंड मदर कभी कभार कुछ नहीं बोलती थी और चुपचाप इन सब चीजों को देखती थी। एंड बहुत बार ऐसा भी होता था कि लेक की ग्रैंड मदर उसको ये सब चीजें करने के लिए एनकरेज भी करती थी। यानी कि जब भी लेक इस तरह की अजीब चीजें करता था, ऐसी बिजार हरकतें करता था, तो कोई उसको रोकता नहीं था। उसका पास्ट भी बहुत ज्यादा ब्रोकन था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और इन्हीं सब चीजों के वजह से, इसी पास्ट के वजह से आगे चल करके लियोनार्ड लेक की जितनी भी मॉर्बिड फैसिनेशंस थी वो बढ़ती ही चली गई। ड्यूरिंग द 1980s अपने पूरे एडल्टहुड के दौरान लियोनार्ड लेक सर्वाइवलिज्म नाम के एक मूवमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। सर्वाइवलिज्म का मतलब होता है कि जब भी किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर या बहुत बड़ी कैलामिटी या बहुत ही बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस डिजास्टर या उस सिचुएशन को बचने के लिए जो भी चीजें करी जाती है टू सर्वाइव, इस पूरे मूवमेंट को सर्वाइवलिज्म कहते हैं। लियोनार्ड लेक को पता नहीं क्यों एक बहुत बड़ा फोबिया था एक न्यूक्लियर होलोकास्ट का, एक न्यूक्लियर ब्लास्ट का, और वो अपनी पूरी रिसर्च कर रहा था सर्वाइवलिज्म के अराउंड ताकि वो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट को, एक न्यूक्लियर होलोकास्ट को सर्वाइव कर सके। फाइनली लेक ने सोचा कि वो अपने प्रॉपर्टी के अराउंड कुछ बंकर्स को बनाएगा जो उसे मदद करेंगे सर्वाइव करने के लिए फ्रॉम ए न्यूक्लियर ब्लास्ट, एंड वो इन्हीं सारे सेफ्टी बंकर्स को कंस्ट्रक्ट करने में लग चुका था। आगे चल के जब लेक ने इस चीज को रियलाइज किया कि वो शायद अकेले में ये सारे बंकर्स को बना नहीं सकता, तो उसने एक मैगजीन में एक एडवर्टाइजमेंट छपवाई, सर्वाइवलिस्ट पार्टनर वांटेड। लेक को अपने साथ एक साथी चाहिए था जो कि उसके साथ मिलकर ये सारे सेफ्टी बंकर्स बनाए एंड उसकी मदद करे इस पूरे मूवमेंट में। देखो आई नो पहली बात तो सोच के बहुत बचपना लगता है कि कैसा ही न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है जो ये सब प्रिपरेशन कर रहा है एंड इस चीज को इतना सीरियसली लेकर के वो एड्स वगैरह छपवा के एक पार्टनर भी ढूंढने लग गया। एंड समझने के बाद सिचुएशन को लगता भी नहीं कि कोई इसको सीरियसली लेगा एंड कोई पार्टनर बन के आएगा भी एक्चुअली। बट हियर इज वेयर वी ऑल आर रॉन्ग। एक्चुअली में इस एड के बाद लियोनार्ड लेक को एक पार्टनर मिल जाता है। चार्ल्स एंग नाम का एक आदमी था, ए नेटिव हांगकांग गाय, जो इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लियोनार्ड से मिला और उसका पार्टनर बन गया। ये एक ऐसा इंसान था जिसने अपने लाइफ में कई सारे छोटे छोटे क्राइम्स करे हुए थे एंड प्रिजन में इसका जाना आना लगा रहता था, तो सुन के पता लग रहा है कि एक बहुत अच्छा आदमी नहीं था। चार्ल्स जब लियोनार्ड लेक के साथ मिलता है तो लगता है कि एक जोड़ी सी बन गई है। तो जैसे ही ये दोनों मिले ये अपने रियल लाइफ में पार्टनर्स इन क्राइम बन चुके थे। इन दोनों ने मिलकर फिर से छोटे छोटे क्राइम्स करने स्टार्ट कर दिए थे एंड आगे चल के जब एक बार इन्होंने एक बहुत ही बड़े फायर आर्म को चुराया था तो उस केस में इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया था और ये दोनों कुछ दिनों के लिए प्रिजन भी गए थे। बट फाइनली प्रिजन से निकलने के बाद इन लोगों ने फिर से अपने मोटिव पर काम करना चालू कर दिया था। तो ये लोग शहर से दूर आ गए, कैलिफोर्निया के ही एक बहुत ही छोटे से फॉरेस्टेड वुडेड टाउन विल्जीविल में ये दोनों शिफ्ट हो गए। पूरी दुनिया से दूर जंगल के बीच एक कैबिन बना लिया एंड उसके अराउंड अपना बंकर बनाना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे ये बंकर बन के कम्प्लीट होते जा रहा था उसके अंदर ये लोग इल्लीगल वेपन्स को रख रहे थे, टॉर्चर डिवाइसेस एंड टॉर्चर इक्विपमेंट्स को रख रहे थे एंड साथ ही साथ जेल सेल्स बना रहे थे। पर जिस बंकर का काम एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से बचना था उसके अंदर ये सब चीजें क्या कर रही थी, टॉर्चर वेपन्स, इल्लीगल वेपन्स एंड जेल सेल्स, सुन के थोड़ा सा क्रीपी लगता है एंड कहीं ना कहीं शक होता है कि आखिर इनके क्या इंटेंशंस थे। वेल आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर बंकर लियोनार्ड लेक एक कैमरा को लेता है, एक बहुत ही पुराना VHS कैमरा जो उसके पास था, उस कैमरा के सामने आराम से बैठ करके अपनी उन सारी इच्छाओं के बारे में बोलता है जो कि उसने प्लान कर रखे हैं
with regards to this bunker. अभी मैं तुम लोगों को वही असली VHS टेप दिखाने वाला हूँ जिसको लियोनार्ड लेक ने रिकॉर्ड करा था। बट हियर इज अ ट्रिगर वार्निंग, ये रियल क्लिप्स हैं और इसके अंदर जिस तरह का लैंग्वेज वो यूज करता है और जो चीजें बोलता है, इट माइट डिस्टर्ब ए फ्यू पीपल। तो अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है तो तुम इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। दिस इज द रियल VHS टेप ऑफ लियोनार्ड लेक टॉकिंग अबाउट हिज मॉर्बिड फैसिनेशंस। Good evening. It's a Sunday in October, 22nd, 23rd, something like that. Very close to my 38th birthday. And I'm starting this tape without script or without any real organization of what I want to say. This tape, what you're hearing now, is going to be the lead-in of the various phases of construction of a building, which hopefully will be the first of a series of underground buildings. The main emphasis of the building, the whole justification for its expense and its effort, will be a hidden portion of it, a secret room, if we can call it that, that will house a cell. A jail cell, if you will. And the purpose of that cell, and the main purpose, hence, of the building, will be the imprisonment of a young lady who probably at this moment is unknown to me. What I want is an off-the-shelf sex partner. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or satiated or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up in a little room, get her out of my sight, out of my life. The advantages of such a situation are, of course, obvious, and even beyond sexual. Such a woman, totally enslaved, would be useful for the mundane chores that I have to do but I'm not particularly interested in doing. Clean house, washing dishes, etc. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. लियोनार्ड लेक ने काफ़ी क्लियरली सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया था। इस बंकर का यूज सिर्फ सर्वाइवलिज्म के लिए नहीं था, वो तो बस एक बहाना था या फिर एक छोटा सा यूज था। एक्चुअल में इन बंकर्स के पीछे काफी क्रीपी और सिनिस्टर इंटेंशंस थे। दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन किडनैपिंग एंड कैप्चरिंग इनोसेंट पीपल। उनका प्लान था कि वो बाहर जाकर के शहरों से इनोसेंट लोगों को, इनोसेंट विक्टिम्स को किडनैप करके लेके आएंगे और उनको इन्हीं बंकर्स के अंदर इम्प्रिजन करके रखेंगे और अपना स्लेव बनाएंगे। इन लोगों को, स्पेशली लड़कियों को वहां पे ला करके वो लोग अपनी फिजिकल एंड सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करेंगे एंड साथ ही साथ उनसे सारा काम कराएंगे, जस्ट लाइक ए सेक्स स्लेव। तो इस बंकर के कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के बाद वो लोग अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। अगले कुछ सालों तक ये लोग ऐसे ही इनोसेंट लोगों को फंसा करके, इन विक्टिम्स को उन बंकर्स में ला करके उनको इम्प्रिजन करके रखते हैं, उनको अपना स्लेव बनाते हैं, उनसे सारा काम कराते हैं एंड अपनी फिजिकल एंड सेक्सुअल नीड्स भी फुलफिल कराते हैं। फिर जब उनका इन चीजों से भी मन नहीं भरता तो उन विक्टिम्स के साथ बहुत बुरी चीजें करते हैं। ये लोग टॉर्चर इक्विपमेंट्स के मदद से उन विक्टिम्स को टॉर्चर करते हैं, उनको फिजिकली एंड सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं एंड फाइनली जब इनका मन भर जाता है तो एट द एंड काफी ब्रूटली उन लोगों को मार भी देते हैं। एंड द मोस्ट क्रीपी थिंग अबाउट द एंटायर केस इज कि उस बंकर में जितने भी रूम्स थे, इंक्लूडिंग द टॉर्चर रूम्स, उन सारे रूम्स में कैमरास इंस्टॉल्ड थे। तो जब ये दोनों अपने विक्टिम्स को काफी ब्रूटली टॉर्चर कर रहे थे एंड उनका मर्डर कर रहे थे, द एंटायर प्रोसेस वॉज बींग रिकॉर्डेड इन दोज VHS tapes. And here is a clip of one of their victims. If you go along with this, cooperate with this, we'll be as nice as we can to you within the limits of keeping you prisoner. If you don't go along with this, we'll probably take you into the bed, tie you down, rape you, shoot you, and bury you. So, my lady, time's up. Make your choice. Sir, I want to be available.
someone wanted to hear. Why are you here? We'll keep you busy. You'll wash for us, you'll clean for us, cook for us, you'll cook for us. That's your choice in a nutshell. It's not much of a choice. Unless you've got a death wish. Yeah, I don't care. जो क्लिप मैंने अभी तुम्हें दिखाया एक रियल फुटेज था जो कि उन्हीं लोगों के टेप्स का एक हिस्सा था। वेल, ये कोई रैंडम फुटेज नहीं था किसी रैंडम विक्टिम का, बल्कि जिस विक्टिम की ये फुटेज थी उसको तुम लोग जानते हो, उसकी कहानी भी तुम लोग जानते हो। द वीडियो फुटेज दैट यू सॉ जस्ट राइट नाउ, द गर्ल यू सॉ इन द वीडियो वॉज नो वन अदर देन कैथलीन एलन। कैथलीन एलन वही लड़की है जिसकी कहानी मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, एंड ये वीडियो उसी लड़की की थी। बट द सैडेस्ट थिंग इज कि कैथलीन अकेली नहीं थी, कैथलीन के साथ 11 अदर विक्टिम्स भी थे जिनके साथ यही सेम चीज हो रहा था। तुम लोग एक बार इन सारे विक्टिम्स के सिचुएशन के बारे में सोचो। पूरी दुनिया से दूर एक जंगल के बीचों बीच एक बंकर में ये लोग फंसे हुए हैं। इनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचने वाली, दे आर कम्प्लीटली हेल्पलेस, और उस बंकर के अंदर उनको स्लेव बना के रखा गया है। जो विक्टिम्स इन दो मॉन्स्टर्स की बातें मानते हैं उनको लोग जिंदा छोड़ते हैं, एंड जो लोग इनकी बातों से थोड़ा भी इनकार करते हैं उनको टॉर्चर करके ब्रूटली मार देते हैं। For Monday, February 15th. Hi, I'm Kyle Kraska. It's being called the creepiest crime scene in America. A remote cabin where cops say some of the most gruesome serial killings in California history took place. Well, now Ed Miller's giving you an exclusive and very disturbing look inside this house of horrors. First, they were kidnapped, then robbed, raped, and killed. 12 innocent victims. These monsters were living their life without any fear. बिना किसी डर के इतने बड़े से बड़ा क्राइम, किडनैपिंग से लेकर के सीरियल किलिंग, सब कुछ ये लोग कर रहे थे। बट आगे चल के इन जून 1985 इन लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिस वजह से इनका पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। जून 1985 को चार्ल्स एंग एक हार्डवेयर शॉप में गया था, एंड वहां से उसने एक डिवाइस चुराने की कोशिश करी थी, बट वहां पे लोगों ने उसको पकड़ लिया था। ये खबर जैसे ही लियोनार्ड लेक को मिली तो तुरंत ही उस शॉप में गया ताकि वो पैसे भर दे और ये केस ज्यादा आगे ना बढ़े। बट वहां के लोगों ने उस वक्त तक पुलिस को बुला लिया था। जब लियोनार्ड लेक के सामने पुलिस आई तो पुलिस वालों ने उसको आईडी मांगी, और लियोनार्ड लेक ने गलती से अपने आईडी की जगह अपने एक विक्टिम की आईडी दे दी। उस आईडी में जो फोटोग्राफ था वो लियोनार्ड लेक से बिल्कुल भी नहीं मिलता था, और जब पुलिस वालों ने नाम देखा तो वहां पे नाम भी रॉबिन स्टेपले लिखा हुआ था। रॉबिन स्टेपले एक ऐसा आदमी था जो कुछ ही दिनों पहले उस शहर से मिसिंग हुआ था, एंड उसकी मिसिंग रिपोर्ट्स पुलिस में भी लिखवाई गई थी। इस मोमेंट पे पुलिस को पूरा शक जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, एंड ये दोनों आदमी कुछ तो छुपा रहे हैं। उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उनको कस्टडी में ले लिया जाता है। आफ्टर दिस ये दोनों क्रिमिनल्स चार्ल्स सिंह और लियोनार्ड लेक समझ चुके थे कि उनकी जो ये क्राइम सागा चल रही थी वो जल्दी ही खत्म होने वाली थी। इसीलिए अरेस्ट होने के चार दिन बाद ही लियोनार्ड लेक ने कस्टडी में होते होते साइनाइड पिल्स खा लिया और अपनी जान ले ली। जब मामला इतना सीरियस था तो फाइनली पुलिस डिपार्टमेंट लियोनार्ड लेक के प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करने एंड सर्च करने के लिए जाती है। उसके कैबिन को और पास ही मिले उस बंकर को जब पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है तो जो चीजें वहां से बाहर निकलती है वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के रोंगटे खड़े कर देती है। लेक के प्रॉपर्टी के आसपास उनके विक्टिम्स के कई सारे व्हीकल्स रखे हुए थे। उसी कैबिन के आसपास कुछ बरियल साइट्स भी थे जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे खोद करके क्रस्ट ह्यूमन बोन्स को रखा गया था, जो कि अराउंड 10 या 11 डेड बॉडीज की ह्यूमन बोन्स थी। उसी बंकर के अंदर पुलिस को दो बहुत ही बड़े बड़े बकेट्स मिले थे। जो पहला बकेट था उसके अंदर सारे विक्टिम्स के आईडीज और पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, और जो दूसरा बकेट था, दिस वॉज द क्रीपियस्ट डिस्कवरी ऑफ द एंटायर बंकर। उस दूसरे बकेट के अंदर पुलिस को VHS टेप्स मिलते हैं, वो VHS टेप्स जिसके अंदर लियोनार्ड लेक और चार्ल्स एंग ने अपने विक्टिम्स के सारे टॉर्चर एंड किलिंग्स को रिकॉर्ड करा था। द होल सिचुएशन वॉज नथिंग लेस देन ए क्राइम सीन मूवी। द वीडियोज दैट वर रिकॉर्डेड इन द VHS टेप्स वर वेरी डिस्टर्बिंग, जिनको पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। स्टेप बाय स्टेप सभी विक्टिम्स के टॉर्चर प्रोसेसेस को एंड किलिंग प्रोसेसेस को काफी क्लियरली रिकॉर्ड किया गया था। पुलिस डिपार्टमेंट कहती है कि उनके इन्वेस्टिगेशन के हिस्ट्री में दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग पीस ऑफ मीडिया जो उन्होंने आज तक कभी देखा था, एंड इसको देखने के बाद कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को थेरेपी भी लेनी पड़ गई थी जस्ट टू फिक्स द मेंटल हेल्थ। फाइनली चार्ल्स सिंह जो कि जिंदा था उस पर 12 फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे, एंड वो अपनी पूरी जिंदगी प्रिजन सेल के अंदर ही बिताएगा।
बाकी मैंने तुम्हें जितने भी छोटे मोटे क्लिप्स दिखाए, टिट्स एंड बिट्स दिखाए, वो उन्हीं सारे रियल टेप्स के लीक्ड फुटेजेस थे। बट जो बाकी का डिस्टर्बिंग एंड ग्रिम कंटेंट था, वो हमेशा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के पास बंद होकर ही रहेगा। वो कभी भी बाहर इंटरनेट पे या फिर जनरल पब्लिक के पास कभी नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया देन इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड तुम्हारा जो भी ओपिनियन है अबाउट द वीडियो, जो भी सजेशन है, उसको कमेंट्स में जरूर बोलना। अगर तुम्हें इसी तरह का और भी डार्क, डिस्टर्बिंग एंड हॉरर कंटेंट फ्यूचर में भी देखना है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड दैट्स ऑल। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक तुम बाकी का कॉन्टेंट चैनल पर देखते रहो, एन्जॉय करते रहना। बाय बाय।